नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक कथा बताने वाले हैं कि कैसे एक साधु ने वेश्या के सुंदर यौवन को देखकर भी अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाना न भूलें। एक महात्मा थे जो एक गली से गुजरते हुए एक ऐसी बस्ती में जा पहुँचे जो वेश्याओं का कोठा था। वहाँ से गुजरते हुए वहाँ पर उसे कुछ महिलाएं और पुरुष बातें करते हुए नजर आए कुछ दूरी पर। तो साधु चलते रहे, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, हे महात्मन जरा ठहरी। तो महात्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर स्त्री उसे रुकने को कह रही थी। तो महात्मा कुछ देर के लिए रुके तो वह स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक लिया और बोली, प्रणाम महात्मन। और महात्मा को वह एकटक निहारती रही। महात्मा का चेहरा ब्रह्मचर्य के ओज के कारण खिला हुआ था, भले ही उसके वस्त्र मैले हों भगवा हों। वह एकटक देखती रही और कुछ समय बाद बोली, हे महात्मन आप चातुर्मास में मेरे घर विश्राम करें, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा भाव करना चाहती हूँ, आपकी सेवा कर फल प्राप्त करना चाहती हूँ। तो वह महात्मा बोले कि हे माते, मैं यहाँ पर मेरे गुरु की आज्ञा के बिना नहीं रुक सकता, इसका जवाब मैं आपको कल ही दूंगा, मेरे गुरु से उत्तर लेने के बाद। वह महात्मा चले गए अपने गुरु के पास और वह स्त्री को तो मानो पहले ही पता हो कि साधु उसके घर जरूर आएंगे ठहरने के लिए। तो वह अपनी दासी को बोली कि हे दासी, इस कमरे को इतना सुंदर सजा दो इत्र और महकते फूलों से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। तो दासी ने पूछा कि इतने खास मेहमान, यहाँ तो सभी हर रोज़ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खास मेहमान हैं। और वह साधु अपने गुरु के पास जा पहुँचे और अपने गुरु से बोले, हे गुरुदेव आज मैं एक वेश्या की बस्ती में जा पहुँचा, तो उसने मुझे अपने घर पर ठहरने के लिए न्योता दिया है कि चातुर्मास आप मेरे घर में रहें, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करना चाहती हूँ। तो गुरुजी के शिष्य थे बहुत सारे, वो चौंक कर हैरान रह गए कि आप एक वेश्या के घर पर ठहरने के लिए जाओगे, आपकी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो गुरुजी हंसते रहे और उसने शिष्य को इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हो। तो वह शिष्य चला गया, पीछे से बहुत शिष्य थे उस गुरुजी के। तो उन सब ने कहा कि गुरुजी आपने उसे वहाँ पर नरक में ठहरने के लिए बोल दिया, उसके इतने वर्षों की तपस्या तो समाप्त ही हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि आप एक बार उसे वहाँ पर रहकर आने तो दो, बाद में बताना आप। तो वह चला गया और वहाँ पर उसकी हर प्रकार से वह वेश्या सेवा करती थी, उसे नहलाती थी धुलाती थी, मखमल के गद्दों पर उसका शयन था। तो उस गुरुजी के दूसरे शिष्य छिपकर वह देखकर आते थे और अपने गुरुजी को कहते थे कि हे गुरुजी उसका तो जीवन ही नाश हो गया, उसका वह वेश्या उसके नहलाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, उसके बाहों में झूलती हैं, हमने खुद देखा है। तो वह गुरुजी कह देते थे कि आप चिंता मत करो, एक बार मेरे शिष्य को आने तो देऊँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर जब उस शिष्य का चातुर्मास पूरा हुआ तो वह
उस वेश्या के साथ साथ अपने गुरु के पास पहुंच गए। शिष्यों ने देखा तो वह हैरान रह गए। वेश्या अपने सादा वस्त्रों में उस शिष्य के पीछे पीछे चली आ रही थी, तो सभी हैरान थे। और वह आकर उसके गुरुजी को प्रणाम किया। दोनों ने प्रणाम करने के बाद वह बोली कि हे गुरुदेव, आपने अपने शिष्य को ऐसा कौन सा अमृत ज्ञान दिया है कि वह मेरे सुंदर यौवन को देखकर भी विचलित नहीं हुए। मैंने उसकी हर प्रकार से परीक्षा ली, उसे हर प्रकार से आकर्षित करने का प्रयास किया, पर वह तो मानो अपने ही अमृतमय आनंद में मगन थे। उनके चातुर्मास ऐसे ही गुजर गए और मैंने हर प्रतिक्रिया की तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया और वह अपने आनंद में मगन रहे। आपने उसे ऐसा कौन सा अमृत ज्ञान दिया है, वो अमृत ज्ञान मुझे भी दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मैंने इस जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे भी मोक्ष का मार्ग बता दीजिए। तब वह गुरुजी बोले कि आपको भी इस नरकपूर्ण जीवन से मैं निकाल कर मोक्ष का मार्ग बता दूंगा। भोग ही इस जीवन में सुख और शांति नहीं है, त्याग का मार्ग अपनाओगे तो शांति मिलेगी और प्रभु भजन ही इस जीवन में सुख और शांति का मार्ग है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर ऐसे वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री।